Bismillah rahman rahim. Cutting edge technologies. Cutting edge technologies are those technologies which are new, which are advanced, and which are mostly used currently. Cutting edge technologies refer to the most current and advanced IT developments. ये जो आजकल के करंट और एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादातर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ कहा जाता है एंड दीज आर द मोस्ट करंट डेवलपमेंट ऑफ आईटी डेवलपमेंट्स सेलुलर कम्युनिकेशन जो है आजकल मोबाइल किसके पास नहीं है हर एक मोबाइल यूज़ कर रहा है फॉर डेटा कम्युनिकेशन फॉर वॉइस फॉर आडियो वीडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन जीपीएस ग्लोबल पुजिशन सिस्टम ब्लूटूथ दिस आल आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज विच आर डिस्कस बिलो तो आजकल मोस्ट कामनली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आर सेलुलर कम्युनिकेशन सेटेलाइट कम्युनिकेशन जीपीएस, ब्लूटूथ और इनको कटिंग इच टेक्नोलॉजीज़ कहा जाता है द फर्स्ट वर्ल्डली मोस्ट टेक्नोलॉजी इज सेलुलर कम्युनिकेशन सेलुलर कम्युनिकेशन मीन मोबाइल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एंड विच सेल मोबाइल सेल इज़ यूज फॉर डेटा वॉइस ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन Cellular communication is a long distance and expensive form of wireless communication because there is no wire. These are wireless communication. Data is transmitted, data is received using wireless media like infrared, microwaves, radio waves. Infrared, microwave, radio waves, these are the unguided media transmission. इट यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेवस टू ट्रांसमिट वॉइस एंड डिजिटल डेटा याद रखिए कि सेलुलर कम्युनिकेशन या मोबाइल में जब आप किसी को कॉल करते हैं डेटा सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं तो वो दरअसल रेडियो वेवस इस्तेमाल करता है मतलब वायरलेस वायरलेसली आप डेटा को ट्रांसमिट करते वॉइस को ट्रांसमिट करते मोबाइल फ़ोन्स आर सेलुलर कम्युनिकेशन दिस फोन कैन आल्सो वे बी यूज टू एक्सेस इंटरनेट फॉर सेंडिंग इन रिसीविंग डेटा आज कल जो स्मार्ट मोबाइल आए हैं जो एडवांस मोबाइल आए हैं तो उसमें इंटरनेट फैसिलिटी होती है जिसकी मदद से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं और हर एक कंपनी का जिसर यूफोन है जोंग है टेलिनॉर है जेज़ है ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को अपने एंड यूज़र को तो इन हर एक कंपनी के पर टावर होते हैं यूफोन टावर जेस टावर जो मुतल इलाके को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है एडवांटेज़स ऑफ मोबाइल कम्यूनिकेशन एन एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मेंटेन मोबाइल कम्युनिकेशन को इंस्टॉल करना बहुत एक एन एक्सपेंसिव है सस्ता है एक मोबाइल ख़रीदो और एक सिम डालो और इजीली आप डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं इनक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इसकी इसने फ्लेक्सिबिलिटी ने फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत इंक्रीज किया फ्लेक्सिबल है इजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लार्ज कवरेज एरिया बहुत एक एंटेना जो है बहुत बड़ा एरिया को कवर कर सकता है उसके बाद है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल शारजा में वर्ल्ड कप हो रहा है तो एक तार के जरिए हम वहाँ से डेटा uh, रिसीव नहीं कर सकते हम वीडियो रिसीव नहीं कर सकते इसके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस्तेमाल होते हैं सैटेलाइट उस इलाके से जो स्ट्रीमिंग है जो कवरेज uh, है वो रिसीव करता है और हमें वो प्रोवाइड करता है अर्थ बेस स्टेशन को प्रोवाइड करता है सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क अ लार्ज नेटवर्क विच कैन कवर द होल वर्ल्ड इट अलाउज रेडियो टेलीविजन ट्रांसमिशन टू बी सेंड लाइव एनी वेयर इन द वर्ल्ड बिल्कुल रेडियो की टेलीविजन की जो ट्रांसमिशन होती हैं इन सेटेलाइट इन मसनू सारों की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाई जा सकती है द डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ वेरी हाई लाइव, लाइव कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे जो कुछ हो रहा है तो वो ही मुझे हमें लाइव रियल टाइम में रिसीव हो रहा है बिफोर सेटेलाइट ट्रांसमिशन वर डिफिकल्ट आर इम्पॉसिबल एट लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्र, ट्र, ट्रांसमिशन जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था टुडे दी आर हंड्रेड्स ऑफ कमर्शियल सेटेलाइट्स ऑन ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ कमर्शल तजारती सैटेलट से सैारे हैं दे आर यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग हर एक सेटेलाइट का अपना मखसूस काम है कुछ वेदर फॉरकास्टिंग के लिए मतलब मौसम की पेशंगोई गोई के लिए टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए टेलीविजन का जो ब्रॉडकास्ट है जो नशरियात है रेडियो कनेक्शन के लिए इंटरनेट एक्सेस के लिए एंड जीपीएस सिस्टम के लिए ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम के लिए साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ़ आवर प्लानट एंड एटमॉस्फेयर आल रिले ऑन सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन है ज़मीन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये ही सेटेलाइट की बदौलत मिल रही है टुडे सेटेलाइट्स फोन्स वर्क एनी वेयर विदाउट हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ सिग्नल कोई प्रॉब्लम ऑफ सिग्नल फेस नहीं होती ग्लोबल पोजिशन सिस्टम ग्लोबल मीन विच कवर द होल वर्ल्ड लोकल का मतलब है विच इज़ रिलेटेड टू अ लोकल एरिया कम एरिया पे जो मुश्तमिल हो पोजिशन सिस्टम पोजिशन किसी जगह को मालूम करना पर्सन को मालूम करना सिस्टम तो ये भी एक सेटेलैट बेस्ड सिस्टम है नेविगेशन सिस्टम है नेविगेशन इन पता लगाना और सटेलाइट्स का एक ग्रुप है जो जीपीएस सर्विसेज़ एस प्रोवाइड करते अब जीपीएस सर्विसेज क्या है किसी भी बंदे किसी भी चीज़ का लोकेशन फ़ाइंड करना पूरी दुनिया में तो ये कितना मुश्किल काम है ये रिस्पॉन्सबिलिटी किसकी है ग्लोबल पोजिशन सिस्टम की और जो शिप्स है जो हवाई जहाज़ हैं इनको लोकेशन देना इनको टाइम देना टाइम प्रोवाइड करना एकोरेट टाइम प्रोवाइड करना ये दरअसल जीपीएस जो सैारों का एक ग्रुप है उनका ये काम है इट इज़ नॉर्मली यूज टू डिमाइंड द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ पर्सन किसी पर्सन किसी बंदे का जोग्राफिकल लोकेशन वो कहाँ पे पाया जाता है पूरी दुनिया में या किसी ऑब्जेक्ट तो ये कौन पता लगाता है जी सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल इट मे बी यूज टू लोकेट अ पर्सन एंड इट कैन बी यूज टू मोनिटर द मूवमेंट्स ऑफ अ पर्सन किसी बंदे का मूवमेंट वो कहाँ है वो कहाँ पर जा रहे हैं उसके क्या एक्टिविटीज़ हैं और ऑब्जेक्ट इट मे आर सू बी यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द स्टोलन वहीकल्स बिल्कुल जो गाड़ियाँ आ, स्टोर हो जाती है जो गाड़ियाँ चोरी हो जाती है, तो उन आ, को फाइंड करना उनका नंबर वग़ैरह सेटेलाइट में फीड की जाती है और वो सैटेलाइट प्रोवाइड करता है उन गाड़ियों की लोकेशन के इस जगह पे, ज़मीन के इस जगह पे ये जो गाड़ी है ये पाई जाती है अ डिवाइस दे रिसीव द जी पी एस सिग्नल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ़ डिटरमाइन इन द डिवाइस करंट लोकेशन ऑन द अर्थ स्कॉ जी पी एस नेविगेशन डिवाइस दिस डिवाइस हैज़ मैनी एडवांटेज लाइक प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ड्राइवर एंड अदर इंफॉर्मेशन जो ड्राइवर्स होते हैं गाड़ियों के तो उनको इंफॉर्मेशन देना उनको हदायत देना सही पात की रहनुमाई करना कंटेन इन ऑल टाइप्स ऑफ मैप्स जी पी एस सिस्टम में तमाम मैप्स मौजूद होते हैं अगर किसी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम है तो तमाम मैप्स uh, उसमें मौजूद होती है प्रोवाइडिंगफार्मेशन ऑन ट्रैफिक कंडीशन ट्रैफिक कंडीशन के बारे में भी ये uh, क्या देती है इंफॉर्मेशन देती है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और नियर बाई होटल्स और पेट्रोल सी एन जी पम्प उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट कॉमनली एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी जिस डिवाइस में दो डिवाइस में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस पे फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी ये भी वायरलेस है मोबाइल में और कंप्यूटर में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है तो ये एक दूसरे के साथ फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं इट वाज ओरिजिनली डेवलप टू एलिमिनेट केबलिंग सबसे पहले जो जो डेवलप हुआ तो केबल को एलिमिनेट करें ख़त्म करें इट इज़ यूज़ टू कम्युनिकेट बिटवीन टू आर मोर डिज ओवर शॉर्ट डिस्टेंस कम डिस्टेंस के लिए फ़ाइव टू सेवन या टेन मीटर्स टेन मीटर तक अगर टेन मीटर के बाद फिर ब्लूटूथ दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है मैक्सिमम रेंज क्या है टेन मीटर इट इज़ यूज़ टू लिंक सेल फोन्स कंप्यूटर एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस। इसके जरिए हम लिंक कर सकते हैं और डेटा की ट्रांसमिशन कर सकते हैं लेकिन दस मीटर तक। ब्लूटूथ ब्लूटूथ इन डेनमार्क मोर देन थाउजेंड इयर्स गो अच्छा तो ब्लूटूथ इस बंदे का नाम था और वो डेनमार्क का किंग था एक हजार साल पहले ये ब्लूटूथ का आइकन है अच्छा अब ब्लूटूथ के क्या एडवांटेजेस uh, है तो एक, जो है बहुत सस्ता है इट इज़ अ लो पावर सिग्नल टेक्नोलॉजी इट रिक्वायर लेस एनर्जी बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है यू कैन शेयर डेटा एंड वॉइस बाई ब्लूटूथ इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर वे टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज इंफॉमे बिटवीन डिसेजे मोबाइल फ़ोन्स एंड कंप्यूटर्स